फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ रवा उत्पम। आज मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से रवा उत्पम बना रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रवा उत्पम बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी रवा, 1 कटोरी दही, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, नमक, थोड़े से सरसों के दाने, काली मिर्च, थोड़े से करी पत्ते जिन्हें बारीक काट लिया है, और तड़के के लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल, 1/2 चम्मच चने की दाल और कच्ची मूंगफली के 8-10 दाने जिन्हें हल्का सा कूट लिया है। उत्पम के लिए सबसे पहले एक बाउल में रवा डालेंगे। इसमें दही डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा पतला घोल बनाएंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ी सी आधा चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इतने हम उत्पम के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सरसों के दाने, और ये हमने जो उड़द चने की दाल और मूंगफली ली थी ये भी इसी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो करके इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। इन दालों को रोस्ट होने में 1 मिनट का टाइम लगेगा। दालें अच्छी तरह सिक गई हैं। अब इसमें करी पत्ता डालेंगे। अब कटा हुआ प्याज डालेंगे। मिनट भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस 1-1.5 मिनट हम भूनेंगे। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 मिनट भूनना है। लास्ट में हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो आप इसमें हल्की सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना, हल्का सा करारा ही रखना है। 1 मिनट हो गए, सब्जियाँ अच्छे से भुन गई हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये जो हमने सूजी का बैटर बनाया था ये इसे देखते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें हल्का सा पानी मिक्स करेंगे। और ये जो सब्जियां हमने फ्राई की हैं ये भी इस बैटर में मिक्स कर देंगे।
अब ये उत्तम का बैटर बिल्कुल तैयार है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी रखनी है कि ये तवे पर डालकर फैले ना अपने आप। जितनी जितना गाढ़ा बैटर हम चीले के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें उत्तम के लिए चाहिए। अब हम इसे उत्तम बनाएंगे। उत्तम सेकने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्का सा कुकिंग ऑयल। पैन को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। पैन अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम इसमें बैटर डालेंगे। टू स्पून बैटर डालकर इसे हल्का सा फैलाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। हमें बैटर की लेयर को थोड़ा मोटा ही फैलाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे और एक मिनट तक इसको ऐसे ही सिकने देंगे। एक मिनट हो गया, उत्पम हल्का हल्का किनारों से सिकने लगा है। अब हम इसे पलटेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही सेकना है, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। उत्तम दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें दोबारा से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसी तरह से हम और उत्तम भी सेक लेंगे। रवा उत्तम सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।